Hollywood, 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 Hollywood. इन्हें बाहर ले जाएं। प्लीज यू हैव टू एक्सक्यूज अस। प्लीज आप लोग बाहर चलिए। प्लीज ठीक है ना? आप मेरे साथ मेरी कैबिन में आइए। डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हुआ? अब तो खतरे से बाहर है ना आनंदी? डॉक्टर साहब एक बार कह दीजिए कि क्या आनंदी को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी वो। देखिए आपका मन रखने के लिए मैं झूठ तो नहीं कह सकता, मैं एक डॉक्टर हूं और सच कहना मेरी ड्यूटी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी की सांसें रुकने के बाद या किसी को डेड डिक्लेयर करने के बाद वो जीवित हुआ है। और हां ऐसा रोज रोज भी नहीं होता। इस मामले में आनंदी बहुत ही खुशकिस्मत है। तो फिर चिंता की क्या बात है डॉक्टर साहब? आनंदी कोमा में चली गई है। उसकी सांसें चल रही है लेकिन वो होश में नहीं है, एक लंबी बेहोशी आप कह सकते हैं। उसके दिमाग के जिस नाजुक हिस्से में गोली फंसी है वहां से गोली निकालना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? गोली क्यों नहीं निकाल सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए आनंदी के दिमाग के जिस हिस्से में गोली लगी है उसे सेरेब्रम कहा जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है
जो बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे मेमोरी यानी याददाश्त, देखने बोलने सुनने की शक्ति। इस हिस्से को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे तो पेशेंट अपाहिज हो सकता है। टेम्पररी या हमेशा के लिए याददाश्त जा सकती है, इसीलिए सर्जरी के फैसले से पहले ये सारे सिचुएशंस के बारे में आप सोच लें। और हाँ, जिंदगी बच गई तब। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। आनंदी बच्ची है डॉक्टर साहब, उसकी उम्र ही क्या है। हमारी आनंदी को एक नया जीवन सिर्फ आप दे सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बचा लीजिए आनंदी को। देखिए डॉक्टर साहब, जब तक सांस है तब तक आस नहीं मरती, कोई तो उपाय होगा आनंदी को बचाने का। है, अगर इस केस में कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर मित्रा हैं, इंडिया के लीडिंग ब्रेन सर्जन। मगर क्या डॉक्टर साहब, बहुत बिजी रहते हैं, उनके ऑपरेशन की डेट्स महीनों तक बुक रहते हैं। मुझे नहीं लगता अगले 3 महीने तक हमसे मिलने का भी उनके पास टाइम होगा। और इस बच्ची के लिए हम उनका इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, आप उनसे बात तो करके देखिए ना, हो सकता है कि वो हमें समय दे दे। आप उन्हें फोन कीजिए ना। डॉक्टर साहब आप बात करो ना, हम तीनों जाके मिल लेंगे उनसे। मैं विनती करूंगा कि वो मेरी आनंदी को बचा ले। डॉक्टर साहब आप हमें उनका पता दे दीजिए, हम उनसे जाके बात करते हैं। किसे मिलना है आपको? जी डॉक्टर मित्रा से मिलना है, वो मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। यहाँ के अस्पताल वालों ने बताया कि सिर्फ डॉक्टर मित्रा ही उसका इलाज कर सकते हैं। जी मैं जानता हूँ कि डॉक्टर मित्रा के पास समय नहीं है हर किसी से मिलने का, पर अगर एक बार हमारी उनसे बात हो जाए तो बस। साहब तो बाहर गए। जी कब तक आएंगे वो? वो तो पता नहीं। अच्छा, घर में कोई और है जिनसे हम बात कर सके? मैम साहब से मिल सकते हैं आप लोग, पर वो तो अभी घर पे नहीं, मंदिर गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। जी ठीक है, तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं। पानी वगैरह लेंगे? जी नहीं बस, धन्यवाद। जगिया, भगवान जी से जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो वो जरूर पूरी करते हैं। जगिया कहाँ जा रहा है बेटा? मंदिर, भगवान से आनंदी के प्रार्थना करने के लिए। वो कहती है कि अगर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वो जरूर सुनते हैं। फिकर मत कीजिए साहब, मंदिर एकदम पास में ही। लेकिन शाम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम थोड़ी देर में आते हैं। आओ ठीक है। आनंदी कोमा में चली गई है, उसकी सांसें चल रही है लेकिन वो होश में नहीं है, एक लंबी बेहोशी आप कह सकते हैं। उसके दिमाग के जिस नाजुक हिस्से में गोली फंसी है वहां से गोली निकालना खतरे से खाली है। अगर इस केस में कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर मित्रा है,
आप लोग चलिए, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आनंदी को बकवास ने गोली मार दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आनंदी भगवान जी के पास चली जाएगी, इसलिए मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मेरी बिंदनी को बचा ले। बिंदनी मतलब तुम्हारी बहन है? नहीं, मेरी घरवाली। तुम्हारी पत्नी? शादी हो गई है तुम्हारी? जी, ये मेरा बेटा है जगदीश। वो हमारे यहाँ कम उम्र में ही शादियां हो जाती हैं। अच्छा, क्या हुआ है आपकी बहू को? वो गोली आनंदी को लग गई और वो बेचारी अस्पताल में पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मर जाएगी। अगर उसको बचाना है तो डॉक्टर मित्रा। हाँ, डॉक्टर मित्रा के पास जा, उनका घर यही है ना, हम उनसे मिलने आए थे। मैं मिसेस मित्रा हूँ, डॉक्टर मित्रा की पत्नी। कितनी अजीब बात है ना, आरती चल रही थी कि मेरा ध्यान इस बच्चे पर गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बात करने चली आई। अब हमें विश्वास हो गया कि ईश्वर हमारी आनंदी के साथ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप डॉक्टर मित्रा को आनंदी के ऑपरेशन के लिए मना लें। जी, मैं जानता हूं कि लोगों को महीनों महीनों तक उनका इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी हाँ मैडम, अब हमारी सारी उम्मीदें डॉक्टर साहब पर ही टिकी हैं। आप आनंदी की मदद करेंगे ना बेटा? अगर आपकी मदद करके मैं उस बच्चे की जान बचा सकती तो इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्यों? ये हमारी आनंदी की जिंदगी का सवाल है मैडम, एक बार आप डॉक्टर साहब से बात तो कर लीजिए। बात करने से कुछ नहीं होगा, बच्ची का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि इस वक्त वो मुंबई में नहीं है। वो अमेरिका गए हैं। जी हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं। चाहे भी तो इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। अब बोले डॉक्टर साहब को, वो आ जाएंगे। बेटा क्या कर रहे हो, उठो उठो। डॉक्टर साहब को बुला लीजिए ना वापस। बेटा इतनी दूर से यहाँ आना बहुत मुश्किल है। आपको पता है आनंदी काला जी को बहुत मानती है, वो कहती है कि काला जी सबकी सुनते हैं। अगर काला जी इतनी दूर बैठ के सबकी मदद कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं कर सकते? वो तो दूसरे देश ही गए हैं ना, आप बात कीजिए ना उनसे।
भगवान ना करे कि अगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि वो नहीं आ सकते तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम। लेकिन आप एक बार डॉक्टर साहब से बात तो करके देखिए जी। बस एक बार आप बात कर लीजिए उनसे, बहुत उपकार होगा। प्लीज, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, मगर अब तक तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए होटल से निकल चुके होंगे, फंक्शन शुरू भी हो गया होगा, ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना। मैडम हो सकता है कि वो इस वक्त रास्ते में हो, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। हाँ, फिर तो बात कर सकते ना वो, आप एक बार फोन तो लगाए देखिए। अच्छा ठीक है, चलिए। फोन उठाइए। हेलो, है रत्ना, बोलो। हाँ कहाँ है आप? मैं वॉशरूम में था, बस निकल ही रहा हूँ और थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। विश मी लक। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जब मैं मंदिर गई ना तो वहाँ मुझे एक लड़का मिला, शायद किसी गांव से आया है बेचारा, उसकी पत्नी वो भी बच्ची है बेचारी, किसी बदमाश ने उसे गोली मार दी है, हालत बहुत नाजुक है, अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बचेगी नहीं, और वो ऑपरेशन आप ही कर सकते हैं। ओह नो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इंडिया की जो भी पहली फ्लाइट मिले ना, आप वो पकड़कर वापस आ जाइए। कि बोल चुकी रोकना तुम्हें, ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कितनी जरूरी है ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे इतने सालों की मेहनत के लिए मुझे आज पुरस्कार मिलने वाला है, दुनिया के बड़े से बड़े कंसल्टेंट के सामने आज मैं अपना पेपर पढ़ने वाला हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं ये सब छोड़कर वहां आ जाऊं? Anyway, देरी हो जाती, मुझे निकलना होगा। देखिए मैं जानती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन किसी की जिंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत सच्चे डॉक्टर हैं, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो आप भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, ऑपरेशन सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज आ जाइए। प्लीज आता, समझने की कोशिश करो, ये कॉन्फ्रेंस मेरा एक ड्रीम है, और वैसे भी एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए, एक डॉक्टर की और भी जिम्मेदारियां होती है। देखिए एक डॉक्टर की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होती है, अपने पेशेंट को नई जिंदगी देना। और रही बात अटैच होने की, तो अगर आज आप उस बच्चे से मिले होते ना तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होती। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं ये जिद क्यों कर रही हूँ, लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, फोन डरा रखो, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मौका मैं किसी के लिए नहीं गवा सकता। मेरे लिए भी नहीं? बोलिए, अपने मरे हुए बच्चे के लिए भी नहीं? चलो मुझे माँ कह सको और मैं आपको पापा, आज भी उसके लिए हमारा दिल तड़पता है ना, तो जरा सोचिए उन माँ बाप का क्या होगा सामने उनके बच्चे दम तोड़ रही है। आ जाइए ना,
सिर्फ आप ही उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको मेरी कसम, आ जाइए। कार इज रेडी सर।